Good morning students today in this lecture i will be covering these topics definition of homogenization silverson mixer homogenizer principle of silverson mixer homogenizer construction working uses and their advantages and disadvantages homogenization homogenization it is defined as an इंटेंसिव मिक्सिंग ऑफ म्यूचुअली इन सोल्यूबल टू ऑपटेन अ सस्पेंशन और इमल्शन होमोजिनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थिंग्स यूनिफॉर्म और सिमिलर एंड इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग अ सबस्टांस फॉर एग्जाम्पल फैट ग्लोब्यूल्स इन मिल्क एंड होमोजिनाइजेशन प्रोसेस है जिसमें इन फेजिस को मिक्स किया जाता है

इज़ कॉल्ड होमोजिनाइजर फार्मास्यूटिकली होमोजिनाइजरस आर यूज टू ब्लेंड डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड्स यूनिफॉर्मली फार्मास्यूटिकली होमोजिनाइजर्स यूज़ किए जाते हैं ब्लेंड करने के लिए जो लिक्विड्स होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है होमोजिनाइज़र एक्चुअली रिड्यूज द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वन मटीरियल एंड डिजॉल्व इट ईवनली थ्रू आउट द मिक्सचर The commonly used homogenizers are hand homogenizer, silverson mixer homogenizer and colloidal meal. The basic principle of these homogenizer is it is based on the principle that large globules in a coarse emulsion are broken into smaller globules passing them under pressure through a narrow orifice. लार्ज ग्लोब्यूल्स जो होंगे कोर्स इमल्शन के उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में ब्रोक किया जाएगा बाय पासिंग देम उनको नैरो ऑरिफाइस से पास pass करके पासिंग देम अंडर प्रेशर प्रेशर अप्लाई करके जो लार्ज ग्लोब्यूल्स होंगे उनको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट किया जाएगा सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर प्रिंसिपल इट इज़ बेस्ड ऑन द हाई स्पीड रोटर्स ब्रेक डाउन लार्ज ग्लोब्यूल्स इन अ कोर्स इमल्शन इन टू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स यूजिंग शेयरिंग फोर्स एंड टर्ब्यूलेंस तो कोर्स इमलशन के लार्ज ग्लोब्यूल्स स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाई स्पीड रोटर्स ठीक है टर्बाइन ब्लेड्स होंगे जिससे शेयरिंग फोर्स एंड टर्ब्यूलेंस जनरेट होगी शेयरिंग फोर्स अनअलाइंड फोर्स होगी पुशिंग वन पार्ट ऑफ अ बॉडी

इट कंसिस्ट ऑफ एंड इमल्सीफाइंगड एंड इलेक्ट्रिक मोटर एंड इट कंसिस्ट ऑफ एन लॉन्ग सपोर्टिंग कॉलम कनेक्टेड टू द मोटर विच गिव सपोर्ट टू द इमल्सीफायर हेड एक सपोर्टिंग कॉलम होगा जो कि मोटर से कनेक्ट होगा जो इमलसीफाइंगड को सपोर्ट देंगे द इमल्सीफायर हेड कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ ब्लेड्स हेड में टर्बाइन ब्लेड्स कनेक्ट होंगे विच रोटेट्स एट अ वेरी हाई स्पीड जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड पर रोटेट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे शेयरिंग एक्शन द ब्लेड्स आर इनकेस्ड इन मैश एंड इनकेस इन अ परफोरेटिड कवर जो टर्बाइन ब्लेड्स होंगे ये आपकी सर्कुलर मैश में इनकेस होंगे और जो सर्कुलर मैश होगी ये भी आपका इनकेस होंगे इन परफोरेट कवर परफोरेटिड मींस होल्स होंगे कवर में द ब्लेड्स आर रोटेटेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर फिटेड एट द टॉप ब्लेड्स को रोटेट किया जाएगा जो टॉप पर मोटर होगी उससे रोटेट होगी द सेंट्रल पोर्शन कंटेना शाफ्ट हेयर यू कैन सी सेंट्रल रोटेटिंग शाफ्ट वन एंड विच इज़ कनेक्टेड टू द मोटर जिसके अपर एंड में मोटर कनेक्ट होगी एंड अदर एंड इज़ कनेक्टेड टू द इमल्सीफायर हेड और जो दूसरा एंड होगा वो कनेक्ट होगा इमल्सीफायर हेड एंड इमल्सीफायर हेड में आपका टर्बाइन ब्लेड्स अटैच होगी टर्बाइन ब्लेड्स आपकी इनकेस होगी मैश में एंड विच इज इनकेस्ड इन परफोरेटेड कवर नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ सिल्वरसन मिक्सर होमोजिनाइजर द इमल्सीफायर हेड इज प्लेस्ड इज इन द वेसल कंटेनिंग इमिसिबल लिक्विड्स और कोर्स इमल्शन इन सच अ वे दैट इट इज इट शुड कंप्लीटली डिप्ड इन द लिक्विड इमल्सिफायर हेड को प्लेस किया जाएगा वेसल में कंटेनिंग इमिसिबल लिक्विड जो भी दो इमिसिबल लिक्विड है जो मिक्स नहीं होते आपस में और कोर्स इमल्शन जो कि कोर्स इमल्शन में प्लेस किया जाएगा दैट इट शुड कम्प्लीटली डिप्ड इन द लिक्विड जो कि उसमें कम्प्लीटली डिप्ड हो वन द मोटर इज स्टार्टेड जब मोटर को स्टार्ट किया जाएगा द सेंट्र रोटेटिंग शाफ्ट रोटेट्स द हेड जो शाफ्ट होगा वो इमल्सिफायर हेड को रोटेट करेगा विच इन टर्न रोटेटेड टर्बाइन ब्लेड्स एट वेरी हाई स्पीड जब इमल्सिफायर हेड को वो रोटेट करेगा तो इमल्सिफायर हेड में जो टर्बाइन ब्लेड्स है वो भी रोटेट होगी एट अ वेरी हाई स्पीड लिक्विड्स आर सर्कड बाय द लिटिल ओपनिंग्स एज अ रिजल्ट लिक्विड आर सर्कड इनटू द हेड From the center of the base and subject to intense mixing action. Under laminar and turbulent conditions, the complicated flow patterns can produce droplet breakup. अंडर लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो होगा लैमिनार कभी स्मूथ फ्लो होगा उसमें कभी फ्लक्चुएशन होगी फ्लूड वेलोसिटी में इस पैटर्न के कारण जो ड्रॉपलेट होंगे वो स्मॉल ग्लोब्यूल से लार्ज ग्लोब्यूल से आपके स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे द कंटेंट इज एक्सपेल्ड थ्रू द मैश एंड सब्सिक्वेंटली टू द कवर वेयर इट इज़ मैकेनिकली शेयर्ड आफ्टर देन देयर इज अ लॉट ऑफ हाइड्रोलिक शेयर्स द ऑयल इज़ स्विफ्टली कन्वर्टेड टू ग्लोब्यूल्स जो ऑयल है वो कन्वर्ट हो जाएगा रिजल्टिंग इन द कंसिस्टेंट होमोजीनियस आउटपुट द फाइन इमल्शन दैट इमर्जेस थ्रू द कवर अपर्चर फाइन इमल्शन मूव आउट हो जाएगा कवर अपर्चर से कवर होल से कॉजिंग लार्ज ग्लोब्यूल्स टू स्विफ्टली ब्रेक डाउन इन टू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स की जो आपके लार्ज ग्लोब्यूल्स होंगे वो स्मॉल ग्लोब्यूल्स में मूव आउट हो जाएंगे थ्रू द कवर होल यूजेस दिस मिक्सर इज यूज टू ऑपटेन फाइन इमल्शन एंड सस्पेंशन एंड अदर बाईफेजिक लिक्विड प्रिपरेशन फाइन इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए और जो दूसरी बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है उनको मिक्स करने के लिए हम सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर यूज़ करते हैं एडवांटेजेस सिल्वरसन मिक्सर इज़ अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस टू हैंडल द लिक्विड रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू मिली टू सेवरल थाउजेंड लीटर्स सिल्वरसन मिक्सर अवेलेबल होता है डिफरेंट साइजेस में जिसमें लिक्विड फ्यू मिलीलीटर से और थाउजेंड लीटर तक हम हैंडल कर सकते हैं इट कैन बी यूज फॉर बैच ऑपरेशन एज़ वेल एज कॉन्टीन्यूस ऑपरेशन बैच ऑपरेशन के साथ साथ ये कॉन्टीन्यूअस ऑपरेशन में भी यूज हो सकता है बाई इनकॉर्पोरेटिंग इनटू पाइप लाइन थ्रू विद द इमिसिबल लिक्विड फ्लो डिसएडवांटेजेस ओकेशनली देयर इज अ चांसेस ऑफ क्लॉगिंग ऑफ द पोर्स ऑफ द मैश ओकेजनली कभी कभी इसमें चांसेज हो सकते हैं जो पोर्स होंगे मैच के उसमें क्लागिंग हो सकती है सो so, आज हमने डिस्कस किया है होमोजिनाइजेशन डेफिनेशन ऑफ होमोजिनाइजेशन टाइप्स ऑफ होमोजिनाइज़र एंड देयर प्रिंसिपल सिल्वरसन मिक्सर होमोजिनाइज़र देअर कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड एडवाटेज एंड डिसवानटेजेस Thank you.